हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू अप्रेंटिस की पोस्ट निकली हुई है जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर ये वैकेंसीज निकली हैं। हेडक्वार्टर की बात करेंगे इसका, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे नवाब यूसुफ रोड वाल्मीकि चौराहा सिविल लाइन प्रयागराज के अंदर ये इसका हेड ऑफिस है, जो कहेंगे हम हेडक्वार्टर है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं इसके 15/11/2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 14/12/2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। यहीं पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई है अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। प्लीज रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस इन दिस नोटिफिकेशन केयरफुल्ली एंड इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द RRCNCR वेबसाइट, जो कि वेबसाइट का यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है www.rrcprayagraj.org। यहाँ से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ से। वहीं पर हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट ये अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आपको अपनी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो रीड कर लेना है। वहीं पर हम इसको डिस्कस करेंगे उसी के बारे में, तब आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देके आप अगर इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे तो आपके लिए आपका टाइम भी वेस्ट होगा और स्ट्रेस में आ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। आगे क्या कहा है यहाँ पर, एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेलियर टू सबमिट एप्लीकेशन ड्यू टू हैवी लोड जाम और वेबसाइट्स। यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले आपको तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पता होना चाहिए कि आपने 10th क्वालिफाई किया है। जाहिर सी बात है आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं 10th क्वालिफाई किया और ITI आपने किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं इसको और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। आगे बढ़ते हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है सेकंड पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इन केस द एप्लीकेशन एप्लीकेंट डज नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, अगर किसी के पास पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, ही शी शुड क्रिएट हिज हर ओन ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मस्ट मेंटेन दैट ईमेल आईडी टिल द एंड ऑफ एंगेजमेंट प्रोसेस। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर आपकी अपनी खुद की ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर लें, या तो खुद से कर लें, अगर आपको नहीं आती है तो किसी अपने फ्रेंड से या साइबर कैफे में या किसी से भी अपने रिलेटिव से अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करा लें। अपनी ईमेल आईडी बना करके अपनी ही ईमेल आईडी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करें और टाइम टू टाइम अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहें। सभी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, अपने मोबाइल में उसको चेक कर सकते हैं। डेली टाइम टू टाइम आप चेक करेंगे, जिस किसी भी तरह का अगर RRC की तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास वो मेल पहुंच जाएगा और आप उसको टाइम से चेक कर लेंगे और जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप आगे इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये इसलिए ईमेल आईडी वैलिड होना जरूरी है, यानी कि किसी के भी साइबर कैफे वाले को बोल दिया आपने कि भैया आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, फिर बाद में कहोगे कि मेरा तो नंबर ही नहीं आया, समझ रहे हो ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज ए सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन, जैसे एक सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट जो रेलवे जो आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो सेंट्रलाइज्ड है ये, ऑल इंडिया से यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ACT अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, बींग कंडक्टेड बाई रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसको कहते हैं नॉर्थन सेंट्रल रेलवे के अंडर ये आता है, उत्तर मध्य रेलवे बोलते शायद इंग्लिश हिंदी में, हैज बीन नॉमिनेटेड एज नोडल एजेंसी फॉर ऑब्टेन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन अक्रॉस द नेशन। तो आपको ऑल ये जो एजेंसी है नॉमिनेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए जाएंगे, ये आपको समझना है। चलिए ये बात करनी है, एप्लीकेशन कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली
ऑन आरआरसी वेबसाइट, आरआरसी की वेबसाइट से आपको उसको ऑनलाइन फिल करना है। इसके बारे में फिर से डिस्कस कर चुके हैं हम कि ये यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे तो छोटे छोटे पॉइंट आप भूल जाएंगे और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे पूरा। तो यहाँ पर बात करते हैं, द कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेंट विल बी कंसिडर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे, जो भी डिटेल वहां पर देंगे, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आगे जारी किया जाएगा। ये आपका कहा गया है। फिर बात करते हैं, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल फर्स्ट 18,000 से 56,900, कोर्स कंप्लीटेड, अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विल गिवन प्रिफर इन द फिलिंग अप 20% वैकेंसीज ऑन क्वालिफाइंग द रिक्वेसाइट नॉर्म्स नोटिफाइड बाय आरआरसी रिक्रूटमेंट, आरआरबी आरआरसी। तो यहाँ पर ये आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जो कि आगे जो भर्तियां निकलेंगी वैकेंसीज रेलवे की, वहां पर ये आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट द 1664 स्लॉट नोटिफाइड फॉर ट्रेनिंग इन द डिजाइंड ट्रेड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एट वेरियस डिवीजन। अलग अलग डिवीजन के अंदर ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली हुई हैं, वर्कशॉप के अंदर है ये, विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीजन प्रयागराज आगरा झांसी, झांसी वर्कशॉप के अंदर ये क्या निकली, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकली हुई है, ये आपको समझ लेना है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, अब सबसे पहले एज क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं हम। एज क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए आपका, 14/12/2023 इसकी क्लोजिंग डेट है। यहाँ पर द एप्लीकेंट्स शुड हैव कंप्लीट 15 साल यानी कि 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर ऑफ एज 14/12/2023 तक कैंडिडेट की एज 24 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वही कैंडिडेट इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम, एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि एज में छूट मिलेगी। अपर एज 24 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट हैं वो अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी कैंडिडेट को एप्लीकेंट एंड 3 ईयर इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब कि यहाँ सीधे सीधे हम बात करेंगे एससी एसटी कैंडिडेट 24 और 5 29 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो वो कैंडिडेट 24 और 3 27 साल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है और जनरल कैंडिडेट 24 साल तक की एज तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएगा। ये यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज है तो उसके लिए क्या एज लिमिट रहेगी। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 10 ईयर। कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह से अगर दिव्यांग है या डिसेबिलिटीज है उसके अंदर तो 10 साल की एक्स्ट्रा एज यानी कि 34 साल तक वो कैंडिडेट वो फॉर्म फिल कर सकता है। 24 साल यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है और 10+10 उसको ईयर की छूट मिलेगी। 10 साल की छूट मिलने के बाद वो भर सकता है। तो यहीं पे बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड अप टू एडिशनल 10 ईयर। एक्स सर्विसमैन भी 34 साल की एज तक इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फॉर एक्स सर्विसमैन 2 एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर, अगर 3 साल की सर्विस की है, प्रोवाइडेड दे हैव पुट इन ए मिनिमम ऑफ 6 मंथ सर्विस एट ए स्ट्रेंथ एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस ऑन सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द एक्स सर्विसमैन स्टेटस फॉर द पर्पस ऑफ देयर एंगेजमेंट। तो आपको सीधा सीधा मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि 10 साल की छूट एक्स सर्विसमैन को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन मीन्स रिटायर्ड पर्सन, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस से अगर वो रिटायर है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी, तो फॉर्म फिल कर सकता है।
अभी बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए, एन एक्स सर्विसमैन एप्लीकेंट्स सिलेक्शन सिलेक्टेड अंडर द रिजर्वेशन प्रोवाइड फॉर देम विल बी प्लेस्ड इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी से आता है या एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, टू विच ही बिलोंग्ड। तो आगे बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल विद एंगेज्ड फॉर अप्रेंटिसशिप एज पर डिटेल मेंशन, यहां पर जो डिटेल्स दी गई है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा यदि उसके पिता या माता उसमें से कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो उसके बच्चों को क्या प्राथमिकता मिलेगी या क्या प्रायोरिटी दी जाएगी, किस तरह से प्रायोरिटी दी जाएगी वो यहां पर कहा गया। पॉइंट नंबर वन की बात करेंगे यहां पर, चिल्ड्रन ऑफ डिजीज डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दोज किल्ड डिसेबिलिटी ड्यूरिंग पीस टाइम, सबसे पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी यदि किसी बच्चे के माता पिता सर्विस के दौरान या एक्स सर्विसमैन है तो वहां पर मारे जाते हैं किसी तरह से या किसी भी तरह की उन्हें डिसेबिलिटीज होते हैं हो जाती है उसके माता पिता को, तो उसे प्रायोरिटी वन दी जाएगी कैंडिडेट को, जो बच्चा है प्रायोरिटी वन दी जाएगी। यदि अगर 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट के अंदर किसी के पेरेंट्स में से ये जो ए पॉइंट दिया गया है, कोई डिजीज हो गई किसी भी एक्स सर्विसमैन को या किसी भी तरह से वो वॉर में या किसी भी तरह से मारा जाता है तो उसे प्रायोरिटी वन दी जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे दूसरा कैंडिडेट है चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि किसी के माता पिता जिंदा हैं और वो एक्स सर्विसमैन है या आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हैं, एयरफोर्स नेवी या और एयरफोर्स नेवी और एफ क्या बोलते हैं आर्मी से अगर रिटायर हैं वो, तो इसके लिए वो उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग मैन, यदि किसी के माता या पिता में से कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अभी सर्विस कर रहे हैं तो उसको थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी तीसरे नंबर पर। सबसे पहले ये दो ऊपर जो दी गई है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये कैंडिडेट जो भी सीट दी गई है वो सीट नहीं लेते हैं तो थर्ड नंबर पर इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फोर्थ पर हम बात करेंगे चिल्ड्रन ऑफ सर्विस ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर, अगर किसी के भी माता पिता ऑफिसर रैंक पर हैं तो उसको ए बी सी डी फोर्थ नंबर पे फोर्थ प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, अगर किसी भी डिपार्टमेंट से एक्स सर्विसमैन है तो उसे प्रायोरिटी फिफ्थ नंबर पे दी जाएगी। समझे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, हाँ यहाँ पर मैंने बात की है ये जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे चिल्ड्रन फॉर आर्म्ड फोर्सेज पर्सन की बात है, यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं है, आर्म्ड फोर्सेज से रिटायर होंगे एक्स सर्विसमैन, ये पॉइंट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज शैल बी एज अंडर, यहाँ पर बात करते हैं जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैंडिडेट जो रहेगा यहाँ पर यू आर अनरिजर्व्ड 14/12/1999 से 14/12/2008 के बीच में अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ 14/12/1999 से 14/12/2008 के बीच में उसका जन्म हुआ है तो वो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल है प्रॉपर। अगर इसके बीच में नहीं आता है तो वो एलिजिबल नहीं है अगर जनरल कैटेगरी से आता है। वहीं पर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी से, तो 14/12/1994 से 14/12/2008 के बीच में अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है और जो छूट है वो उसके अकॉर्डिंग उसको देख लेनी है। समझे, वहीं बात करेंगे एसटी कैटेगरी 14/12/1994 से 14/12/2008 के बीच में उसका जन्म हुआ है और वही छूट अपना देख लेनी है अपनी कितने साल की आपको छूट मिल रही है। ओबीसी कैटेगरी का कोई अगर कैंडिडेट है तो 14/12/1996 से 14/12/2008 तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नहीं, मेंस इसका डेट ऑफ बर्थ उसके इसके बीच में होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी यूआर, अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज है और जनरल कैटेगरी है तो यहाँ से 14/12/1989 से 14/12/2008 तक उसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। वहीं भी बात करेंगे एस सी एस टी कैंडिडेट है अगर वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज है उसके अंदर तो 14/12/1984 से
14/12/2008 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वही बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट है, अगर किसी तरह की डिसेबिलिटीज है उसके अंदर, तो 14/12/1986 से 14/12/2008 के बीच में उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आता है, वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में अगर वो कैंडिडेट आता है, तो 14/12/1999 से 14/12/2008 के बीच में उस बंदे का या बच्चे का कैंडिडेट का जन्म हो जाना अनिवार्य है, उसके बीच में हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विस मैन के लिए, यूआर के लिए 14/12/24 साल 24 ईयर प्लस डिफेंस सर्विसेज अप टू 10 ईयर प्लस 3 एज पर द पैरा 22.4। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसके बीच में, तो ये आपको समझ लेना है। यहाँ पर एक्स सर्विस मैन अगर कैंडिडेट कोई भर रहा है तो एक दो कैंडिडेट ही भरते हैं एक्स सर्विस मैन, ये तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर भरते हैं, लेकिन अगर भरते हैं तो ये यहाँ पर उसको क्राइटेरिया दिया है, आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एसेंशियल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द दिस नोटिफिकेशन 10/11/2023 एज अंडर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं हम, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास SSC सीनियर सेकेंडरी क्लास मेट्रिकुलेशन 10th पास, अगर किसी कैंडिडेट ने किया है या तो सीनियर सेकेंडरी क्लास क्वालिफाई है, या मेट्रिकुलेशन अगर उसने क्वालिफाई किया है, या 10th क्लास क्वालिफाई किया है, और इट्स इक्वेलेंट या इसके समकक्ष अगर उसने पास किया है, तो अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ उसने इसमें से कुछ भी अगर क्वालिफाई किया है तो ही वो कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। फिर बात करते हैं इन अरेंज एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व बोर्ड से, विश्वविद्यालय की बात करेंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर उसने ये क्वालिफाई किया है तो ही वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। एंड मस्ट हैव पास ITI इन रिलेटिव ट्रेड, 10वीं 12वीं के साथ उसने ITI क्वालिफाई किया हो, ITI पास किया हो रिलेटेड ट्रेड के अंदर, जिस ट्रेड के अंदर वो अप्लाई करना चाहता है। समझे कौन कौन सी ट्रेड के अंदर ये अप्रेंटिसशिप के निकले हुए हैं, उसके बारे में हम नीचे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो रिलेटिव ट्रेड इशू बाय किसके द्वारा, NCVT SCVT रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी बनवा लिया फर्जी ITI तो उसके लिए आप समझ रहे हो ना, गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, अब यहां पर बात करते हैं किस किस ट्रेड के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई है। फर्स्ट हम बात करेंगे फिटर के अंदर ये वैकेंसीज हैं, वेल्डर के अंदर ये वैकेंसीज है, आर्मेचर वाइंडर के अंदर वैकेंसी होती है, मैं जानता नहीं क्या होता है, मैकेनिस्ट के अंदर वैकेंसीज होती है, कारपेंटर के अंदर वैकेंसी है, और इलेक्ट्रीशियन के अंदर है ये, और पेंटर के अंदर, जनरल पेंटर के अंदर वैकेंसी है, और मैकेनिक की वैकेंसी है, DSL डीजल होता है शायद ये, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर है, वायरमैन की वैकेंसीज है, और ब्लैक स्मिथ के अंदर ये वैकेंसी है। ब्लैक स्मिथ क्या होता है देख लेना, आप ही जानते हैं इसके बारे में बेहतर। तो यहाँ पर बात करेंगे हम ITI ट्रेड, ये तो फिटर हमने बात कर दी, डेजिग्नेशन ट्रेड क्या रहेगा, यहाँ पर प्लम्बर रहेगा, अब आपने फिटर में किया है तो प्लम्बर डेजिग्नेशन आपकी रहेगी, और अगर आपने वेल्डर के लिए अप्लाई किया है तो मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा आपका ITI ट्रेड, ये मैकेनिक मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा यहाँ पर। और यहीं पे बात करेंगे हम वेल्डर का क्या रहेगा, ये हमने बात कर ली, आर्मेच्योर का यहाँ पर रहेगा डेजिग्नेशन ट्रेड रहेगा आपका हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर, ऑफ इंस्पेक्टर बनेंगे आप इसमें सीधे सीधे, तो हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर बनेंगे यहाँ पर आप, और ITI इन रिलेटेड ट्रेड आपने किया समझे ना, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, अप्लाई जरूर करना। वहीं पे हम बात कर देंगे मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट की मतलब मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर आप बनेंगे यहाँ पर, समझे ना, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर आप यहाँ पर बन जाएंगे, ITI इन रिलेटेड ट्रेड आपके पास होना अनिवार्य है। समझे किसके अंदर, कहाँ पर ये एमेच्योर कहाँ पे थे हम बार बार, हाँ मैकेनिस्ट के अंदर था ये। तो आगे बात करते हैं कारपेंटर के, MMTM क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मैकेनिक, ये मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए आप रिलेटेड ट्रेड है ये, ट्रेड या नहीं, हाँ ITI ट्रेड हो गया, डेजिग्नेशन आपकी ये रहेगी। इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं यहाँ पर, क्रेन क्रेन ऑपरेटर आप बनेंगे, क्रेन ऑपरेटर के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो क्रेन ऑपरेटर बनेंगे यहाँ पर ये। पेंटर जनरल पेंटर बनेंगे, ड्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन सिविल ये आपकी पोस्ट रहेगी, पोस्ट का नाम आपका रहेगा ड्राफ्ट्समैन। मैकेनिक DSL
तो यहाँ पर आप मैकेनिक डीएसएल हो गया अपना, ये डीएसएल स्टेनोग्राफर का है। तो हाँ, तो स्टेनोग्राफर इंग्लिश में आप बनेंगे, आपके पास इंग्लिश स्टेनोग्राफर आनी चाहिए इसके लिए, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी, क्वालिफिकेशन, क्योंकि आईटीआई स्टेनोग्राफर से भी होती है, अच्छी पोस्ट रहेगी। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये रहेगा आपका, यहाँ पर भी आप स्टेनोग्राफर ही बनेंगे, हिंदी के बनेंगे, हिंदी के स्टेनोग्राफर अगर आपको आती है तो आप अच्छे पद पे आप जाएंगे, समझे। स्टेनोग्राफर की एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट होती है। वायरमैन की बात करेंगे तो टर्नर बनेंगे आप, यहाँ पर टर्नर आपकी पोस्ट का नाम रहेगा, और रिलेटेड ट्रेड के अंदर आपको टर्नर की आईटीआई टर्नर के अंदर होना कंपलसरी है। ब्लैक स्मिथ क्या होता है ये देख लेना आप, क्या होता है, द एप्लीकेंट हु एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th एंड आईटीआई रिजल्ट आर अवेटेड। अगर किसी भी कैंडिडेट ने आईटीआई कर रहा है और फाइनल ईयर में उसने एग्जाम दे दिया है लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में, तो यहां पर ये बताया गया है, एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल 10/11/2023 आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। अगर किसी कैंडिडेट का 10/11/2023 से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, अगर नहीं आता तो आप नेक्स्ट टाइम इसको अप्लाई करें, अभी वो अप्लाई नहीं कर सकता। यह सीधी सीधी यहाँ पर लाइन कही गई है, कोई छूट नहीं है यहाँ पर, आपका रिजल्ट 10/11/2023 से पहले आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। और भी अप्रेंटिसशिप की पोस्ट निकलती है वहां पर आप देख लेना, समझे ना, रिजल्ट का इंतजार करें। द एप्लीकेंट फेल्ड इन आईटीआई शुड नॉट अप्लाई। अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई में फेल हो जाता है किसी भी तरह से, या उसके नंबर कम में तो वो फिर भी भर सकता है, लेकिन अगर फेल हो जाता है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकता। ये भी बात करेंगे, सीधी सीधी लाइन कही गई है, यहाँ पर कही गई है, इन केस एनी फेल्ड एप्लीकेंट इन एंगेज्ड इन एडवर्टेंटली ही शी विल बी टर्मिनेटेड सिमिलरली समरली फ्रॉम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विदाउट एनी फर्दर नोटिस एंड स्टिपेंड विल बी रिकवर्ड बाय हिज इंटरेस्ट। अगर कोई कैंडिडेट फेल हुआ है किसी एग्जाम के अंदर, उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और अप्रेंटिसशिप भी उसने ज्वाइन कर लिया है, तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और जो भी स्टिपेंड उसको मिला है वो उससे वसूल किया जाएगा। ये यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करना है, समझे ना, आपके करियर का सवाल है इसमें। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है एंड डिप्लोमा होल्डर या किसी भी कैंडिडेट ने, ये ऊपर जितने भी स्ट्रीम दिए गए हैं उसमें से ट्रेड, उस भी ट्रेड से किसी ने भी अगर बीटेक किया है या बीई किया है या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है ऊपर दिए गए किसी भी ट्रेड में से, तो उसके लिए क्या रहेगा यहाँ पर, होल्डर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अप्रेंटिसशिप। तो इस अप्रेंटिसशिप के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता डिप्लोमा होल्डर, अगर किसी ने आईटीआई किया है वो ही अप्लाई कर सकता है इस अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिसशिप इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन एज दे आर गवर्न बाई द सेपरेट स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो समझ गया आगे आगे इसमें क्या समझना, तो ट्रेड वाइज स्लॉट क्या क्या कहा गया यहाँ पर, द डिटेल ऑफ ट्रेड वाइज एंड डिविजन वर्कशॉप वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेंट टू बी एंगेज फॉर ट्रेनिंग एज पर एक्ट अप्रेंटिसशिप अलोंग विद द ब्रेकअप ऑफ रिजर्वेशन फॉर एप्लीकेंट्स बिलोंग एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी एंड फॉर पीडब्ल्यूडीज एक्स सर्विसमैन आर फर्दर इन एनेक्सोर ए। इसका एनेक्सोर एक पेज दिया गया वहां पर, इसके बारे में बताया गया है, अगर आपको छूट चाहिए तो उस तरह का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए इस कैटेगरी से अगर आप आते हैं। तो द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स शोन इन द नोटिफिकेशन एज प्रोविजनल एंड द सेम आर लाइबल टू इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम टू टाइम ऑफ फाइनलाइज ऑफ सिलेक्शन। जो भी इसमें वैकेंसीज है, जो स्लॉट है, वो बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, समझे, ये बात कही गई है। इसका पूरा अधिकार किसको है, आरआरसी को। तो देयर विल बी रिजर्वेशन टू द एक्सटेंड ऑफ 4% फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड 3% फॉर एक्स सर्विसमैन। द कोटा स्लॉट इन द साइड कैटेगरी आर इंक्लूड इन द ओवरऑल स्लॉट एंड हेंस आर नॉट टू बी फिल्ड अप आउटसाइड द नोटिफाइड स्लॉट्स। यहां पर क्या कहा गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर कोई है कैंडिडेट तो उसके लिए 4% सीट यहां पर बुक है, वहीं पर बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए 3% यहां पर सीट बुक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहां पर हम,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, द एप्लीकेंट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल दे मस्ट अपलोड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और आर्म्ड फोर्स सर्विंग सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिवली एज द केस मे बी. नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, ऑफ हिज हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. जब कोई कैंडिडेट अगर आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी में आता है या उसके माता पिता आर्म्ड फोर्स से हैं, रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विस मैन है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स इसमें से किसी से भी अगर रिटायर्ड हैं, तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लगानी होगी. और एक सर्टिफिकेट बनता है रिटायर्ड के लिए, चिल्ड्रंस का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा उसके लिए, तभी आपको इसके लिए जो बेनिफिट मिलेगा तभी आप उसको अवेल कर पाएंगे. यहाँ पर बात करते हैं फॉर एससी स्लॉट, एससी कैंडिडेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या रहेगा. आगे बढ़ते हैं, पहले फॉर एससी स्लॉट व्हेन द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द एससी आर नॉट अवेल इट विल बी फिल्ड बाय एसटी एप्लीकेंट्स फॉर एससी स्लॉट. इन केस एसटी एप्लीकेंट आर नॉट अवेलेबल दे विल बी फिल्ड बाय एससी एप्लीकेंट. किसी भी कैंडिडेट ने अगर एसटी कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट वो नहीं आता है एप्लीकेशन फॉर्म या अपनी उस सीट को लेने के लिए या ज्वाइन नहीं करता है, तो वो वैकेंसी एससी कैंडिडेट के द्वारा फिल की जाएगी. ये अपर पॉइंट कहा गया है, दे विल फिल बाय एससी एप्लीकेंट इफ द प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग स्लॉट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स एससी एसटी जस्ट अ मिनट प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग स्लॉट फॉर द एससी एसटी एप्लीकेंट्स कैन नॉट बी फिल्ड इवन इन द अबव गिवन मैनर दे. सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट समझिए, एससी कैंडिडेट की अगर फिल नहीं होती है तो एसटी कैंडिडेट उसको फिल करेगा. अगर नहीं आते हैं तो एसटी कैंडिडेट नहीं आता है तो एससी उसको फिल करेगा, और एसटी कैंडिडेट नहीं आता तो एससी करेगा, एससी नहीं आता तो एसटी उसको फिल करेगा. ये पॉइंट आपको समझना है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर कहा गया है. अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आता है देन द ट्रेनिंग स्लॉट सो लाइंग अनफिल विल बी फिल्ड बाई पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू द एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन अनरिजर्व्ड एप्लीकेंट्स. सिमिलरली द सीट रिमेनिंग अनफिल्ड बाई ओबीसी कैंडिडेट विल बी फिल्ड बाई एप्लीकेंट्स और अनरिजर्व्ड कैटेगरी. ये लाइन आपको समझ नहीं आया यहाँ पर, ये देखिए, अगर एससी एसटी कैंडिडेट में से कोई नहीं आता है देन द ट्रेनिंग स्लॉट सो लाइंग अनफिल्ड विल बी फिल्ड बाई पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब. एग्जाम्पल, अगर एससी और एसटी कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट के द्वारा ये सीट फुलफिल नहीं की जाती तो ये सीट अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को और ओबीसी कैंडिडेट को दे दी जाएगी, उनके द्वारा ये सीट फुलफिल कर दी जाएगी. समझे, द एप्लीकेंट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एससी कैटेगरी, मतलब एससी का अगर रिजर्वेशन कोई पाना चाहता है, लेना चाहता है, तो मस्ट अपलोड हिज हर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. ऐसे ही नहीं आपको हवा में बोलना है कि नहीं मैं तो एससी कैटेगरी में आता हूँ या एसटी कैटेगरी में आता हूँ. आपको सबूत पेश करना होगा कि आप किस कैटेगरी से आते हो, तो सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, वहां पर अपलोड करेंगे, तभी आप उसका रिजर्वेशन पाने के लायक हैं. समझे, तभी आपको उसका रिजर्वेशन मिलेगा. ये यहाँ पर कहा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये बना हुआ होना आपका चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा. यहाँ पर सीधी सीधी बात कही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ओनली इश्यू बाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू एनेक्श्योर बी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आपको क्या करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर नथी कर देना है, मीन्स उसको अपलोड कर देना है. समझे ना, अगर आप अपलोड कर देंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे. फर्जी नहीं करना है, जेन्युइन तरीके से आपको सारा काम करना है. ओबीसी एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट विद नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट. ओबीसी कैंडिडेट को अपना नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है. और क्रिमिलेयर में कौन आता है, नॉन क्रिमिलेयर में कौन आता है,
इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, जो कि वैलिड फॉर द करंट ईयर 2022 और 23 इज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एज पर द एनेक्सोर सी, जो कि फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप किसी भी जनसेवा केंद्र के अंदर बनवाने जाएंगे, अगर उसने बना के दिया है तो वही फॉर्मेट आपका चल जाएगा, आपने जैसे भी बनवाया है आपका, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए, ऑल इंडिया में जो वैलिड होता है वही यहाँ पर वैलिड रहेगा। ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्हें अपना कट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, इश्यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो भी अथॉरिटी होती है, जो जहां से भी बनता है तहसील वगैरह से। तो सर्टिफिकेट शुड इंडिकेट कास्ट, डेट ऑफ इशू उसके ऊपर इंडिकेट होना चाहिए आपकी कास्ट, और कब इशू हुआ है वो भी डेट वहां पे इंडिकेट होना चाहिए। जब जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे तो ऊपर लेफ्ट शायद राइट साइड में वो लिखा होता है डेट कब इशू हुआ है, तो उसका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होता है वहां पर, इशू डेट एंड बियर द सील ऑफ द इशू अथॉरिटी, जिसने भी वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है तहसीलदार ने या पटवारी ने, तो उसकी वहां पर स्टैंप भी लगी हुई होनी चाहिए। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इनवेरिबली फिल एंड अपलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ नॉन क्रिमिनलेयर ऑफ एज पर एनेक्सोर डी। यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी आपको फुलफिल, वो भी फॉर्म फिल करके अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब खुद से एक फॉर्म भरना है, हैंड राइटिंग रिटर्न करके उसको भर देना है। एनेक्सोर डी यहाँ पर दिया गया है, वो देख लेना आप, उसके अंदर हम दिखाएंगे, देखते हैं अभी। हाउएवर दे आर अवॉइड टू एप्लीकेशन अप्लाई फॉर लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट विद नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द करंट ईयर 2022-2023 सो दैट इट कैन बी अवेलेबल फॉर सबमिशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको वहां पर शो करना होगा ओरिजिनल, समझे ना, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पर अपने ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर, अगर कोई कैंडिडेट आता है, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी कैटेगरी नॉन क्रिमिलेयर एंड हु फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम। अब यहाँ पर बात करते हैं किसी भी के भी पेरेंट्स की, माता पिता की अगर एनुअल इनकम 800,000 से कम है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए उसे अपना सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, वहां पर देना होगा। Only are to be identified as EWS for benefit of reservation for EWS category. They income shall also include income for all sources. जितने भी sources हैं सबको मिला करके 800,000 से कम अगर उसकी सैलरी है, उसके माता पिता की मिला करके, तो वो कैंडिडेट EWS कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है, बिना सर्टिफिकेट के आप नहीं माने जाओगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो द इनकम शुड आल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। यहाँ पर हम बात कर ली सैलरी, अगर सैलरी मिला करके एग्रीकल्चर से या बिजनेस किया है कोई, कोई भी प्रोफेशन है आपका, ईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, जो कि पिछला साल गया है आपका वित्तीय वर्ष, उसको देख लेना जैसे भी है, और EWS सर्टिफिकेट अपना वहां पर शो कर देना, आपको दिखाना होगा। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम सर्टिफिकेट एंड असेट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द इनकम सर्टिफिकेट असेट सर्टिफिकेट इशू बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन इन द एनेक्सोर जी। एनेक्सोर जी यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया, उसके अंदर आप देख सकते हैं जी क्या कह रहा है, सेल ओनली बी एक्सेप्टेड एज कैंडिडेट क्लेम एज बिलोंगिंग टू द EWS कैंडिडेट। जो भी उसका एक फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको EWS सर्टिफिकेट बना करके पेश करना होगा, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू बना हो, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाया हो, कलेक्टर ने बनाया हो, डेप्यूटी कमिश्नर ने बनाया है, या एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा बनाया है, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा बनाया गया है, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये अथॉरिटी है उनके थ्रू ये बना होना चाहिए। रिवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ तहसीलदार। आगे बात करते हैं सब डिवीजन ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट
एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड. द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट पोसेस इनकम एज असेट सर्टिफिकेट. आपको क्या क्या देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा और असेट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ओनली क्लोजिंग डेट. क्लोजिंग डेट से पहले ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए. ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन की लास्ट डेट जो दी गई है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए. यानी कि बाद में हम चलो बाद में बनवा लेंगे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, पहले ही आप बनवा लें. अगर आपका नहीं बना हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तभी आप इसके लिए रिजर्वेशन आपको तो मिल जाएगा. ये भी बात करेंगे पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के जो पेमेंट है कितने रुपए फीस रहेगी, 100 रुपए फीस रहेगी. एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 100 रुपए रहेगी. नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एस सी एस टी पीडब्ल्यूएड कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट एप्लीकेंट जितने भी रहेंगे. तीन कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी कैंडिडेट वुमेन्स कैंडिडेट के लिए फ्री में ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सभी अप्लाई करें और इसका लाभ उठाएं. फी पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एज अंडर. ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है मतलब फीस जो जमा करनी है वो ऑनलाइन माध्यम से आप इसको जमा कर सकते हैं, गेटवे जैसे भी कर सकते हैं. ये यहाँ पर कहा गया है कंप्लीट. अब यहाँ पर बात करते हैं हम, अरे ये क्या हो गया, ये यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट एट आर आर सी एन सी आर वेबसाइट. ये वेबसाइट का नाम दिया है rrcprayag.org. यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को. ये यहाँ पर क्या दिया है, इसका लिंक दिया है यहाँ पर भी, और डायरेक्ट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप ये पीडीएफ रीड कर सकते हैं. आफ्टर इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू पे फीस थ्रू द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन, नो चार्ज एडिट विल बी अलाउड देयर आफ्टर. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पेमेंट गेटवे से आपने जो भी किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा उसके लिए, नो चार्ज एडिट विल बी अलाउड, मतलब कि एडिट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. द पेमेंट कैन बी मेड बाई यूजिंग डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं. बाई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज आस्क ऑन द स्क्रीन, ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट इफ एनी विल बी बॉर्न बाई द एप्लीकेंट्स. छोड़िए इस बात को, ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ये आपको समझ लेना है. आगे बात करते हैं क्या दिया गया है, मेडिकल फिटनेस आपकी मेडिकल होगा यहाँ पर. ट्रेड लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज ये दिया गया है, मिनिमम डिसेबिलिटीज क्या रहेंगी, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज हो गई यहाँ पर. वेल्डर ये पढ़ लेना आपका, विजुअली इम्पॉयर्ड अगर हैं आप तो, हियरिंग इम्पॉयर्ड हैं तो इसके लिए. और नीचे आते हैं जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ये देखिए सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर imparting training under the apprentice act 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage of marks obtained by the applicants in both matriculation with minimum 50% aggregate marks and iti examination giving equal weightage age of both. जो भी कैंडिडेट ये अप्लाई कर रहा है कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा सीधा मेरिट बेस पर ये एप्लीकेशन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा. 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग 10th और आईटीआई मिनिमम एज परसेंटेज यहाँ पर दिए गए 50%, लेकिन मेरिट लगेगी जो भी हाईएस्ट कैंडिडेट, जितनी भी हाईएस्ट परसेंटेज कैंडिडेट्स की आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी, उसी कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया जाएगा. ये यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है. नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट दस Enlisted will be called for documents verification. जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होंगे आपके टू द एक्सटेंड ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज. जितनी भी वैकेंसीज हैं उतनी वैकेंसी के 1.5 गुना, डेढ़ गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे. तो यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, 1664 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल, तो उसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.5 से, तो कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ये आपको देख लेना मल्टीप्लाई करके, तो उतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए. फिर बात करते हैं इन केस ऑफ टू एप्लीकेंट्स हैविंग द सेम मार्क्स, ये पॉइंट आपको समझने वाला है.
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी कैंडिडेट के सेम मार्क्स आए हैं, टेंथ ट्वेल्थ ओ सॉरी टेंथ और आईटीआई के मिलाकर के किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स अगर सेम आ रहे हैं, किसी कैंडिडेट के हम मान के चलते हैं 80% मार्क्स हैं सेम कैंडिडेट्स के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, द एप्लीकेंट हैविंग ओल्डर एज, अगर दोनों कैंडिडेट में से जिसकी एज ज्यादा होगी तो उसे प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, उसे सीट मिल जाएगी, शैल बी प्रिफर्ड इन केस द डेट ऑफ बर्थ, अगर दोनों की डेट्स सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देन द एप्लीकेंट हु पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ईयरली शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट, देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, इस सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर किसी भी तरह का ना ही रिटर्न लिया जाएगा, ना ही वाइवा होगा, ओनली ऑन टेंथ और आईटीआई में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहीं पर हम बात करते हैं ये पॉइंट क्या कहा गया है, अगर दोनों कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ सेम है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और टेंथ और आईटीआई के मार्क्स भी सेम है तो ऐसी सिचुएशन में उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जिस कैंडिडेट ने टेंथ पहले की है, अगर किसी कैंडिडेट ने टेंथ की है 2010 के अंदर और किसी कैंडिडेट ने की है 2015 के अंदर 2015 के अंदर की है, तो 2010 में जिस कैंडिडेट ने टेंथ की होगी और अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उस कैंडिडेट को जिसकी 2010 में जिसने टेंथ क्वालिफाई किया तो उसको ये सीट दे दी जाएगी। ये यहाँ पर सीधा सीधा नोटिफिकेशन में कहा गया है, ये आपको समझ लेना है, बाद में जाकर वहां पर ना लड़ना नहीं है कि सर जी मेरे भी मार्क्स सेम है मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया, समझ लेना आप ये पॉइंट, समझ लेना। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, जो भी फाइनल मेरिट लगाई जाएगी वो यूनिट वाइज मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, ग्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स, जो मेरिट लगाई जाएगी 1664 बच्चों की जो मेरिट लगाई जाएगी, सबसे पहले जो बच्चा होगा मानने की बात है, अगर टॉप जो टॉपर है किसी कैंडिडेट के 90% मार्क्स हैं फिर लगेगा, उससे नीचे अगर 89% के मार्क्स हैं तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैंडिडेट्स को जो लिस्ट बनाई जाएगी ऐसे लगाई जाएगी, सबसे नीचे जो सबसे कम परसेंटेज का कैंडिडेट होगा सबसे नीचे आएगा, समझ रहे ना। आगे बात करते हैं, एप्लीकेशन नीड नॉट सेंड एनी कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स टू RRC NCR बाय पोस्ट बट हैव टू अपलोड द सेम ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास रख लेना, बस वो किस लिए, फ्यूचर में रेफरेंस के लिए, जब आपका रिजल्ट आएगा मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आपको अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर चेक करने के लिए आपको एक काम आएगा, लेकिन वो प्रिंट आउट करने के बाद आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के पास वो बाय पोस्ट नहीं भेजना है, समझे ना, ऑनलाइन आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करने हैं, जितने भी सर्टिफिकेशन मांगे गए हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने हैं, उसके अलावा आपको कहीं भी बाय पोस्ट कुछ नहीं भेजना है, समझे ना, ये सीधा सीधा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा इसके बात करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ SSC मतलब सीनियर सेकेंडरी क्लास के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हैं, मैट्रिकुलेशन के अंदर आपके क्या मार्क्स आए, मार्क्स टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट, मार्कशीट के अंदर ये मेंशन किए गए हैं, आपको सबको पता है कि आपके कितने परसेंट आए टेंथ के अंदर, नॉट बेस्ट ऑफ फाइव, बेस्ट ऑफ फाइव नहीं लिए जाएंगे, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं टोटल फाइनल वो मार्क्स यहाँ पर लिए जाएंगे, बट टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा, एडिशनल सब्जेक्ट भी या ऑप्शनल सब्जेक्ट है या एडिशनल सब्जेक्ट है या अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है ETC एटसेट्रा जो भी दिया है, आपके परसेंटेज CGPA अगर आपको मिला है बाय द एप्लीकेंट शुड बी कन्वर्टेड टू एक्चुअल मार्क्स एंड ड्यूली एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्लीज नोट दैट द फाइनल स्कोर शुड बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट नॉट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, समझे ना, बस आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अपना, अगर आपका CGPA आया है तो CGPA को आपको अपने मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करने के बाद वो आपको वहां पर लिख देना है जिससे कि मेरिट लिस्ट बनाने में उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, सिलेक्शन जो होगा किसी भी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप फाइव मार्क्स देखे जाते हैं,
तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, अगर किसी कैंडिडेट के 10th में 600 में से 450 नंबर आए हैं तो उसके जो यहाँ पर फिल करने हैं उसे 600 में से 450 ही फिल करने हैं। अगर वहां पर परसेंटेज मांगी है तो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आपको परसेंटेज यहाँ पर फिल करनी है, समझे? ये आपको क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये आपको समझ लेना है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आईटीआई मार्क्स, आईटीआई मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पर, एवरेज मार्क्स मेंशन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्सशीट, जो भी आपकी मार्कशीट रहेगी उसके अंदर वो साफ साफ लिखे हैं आपके मार्क्स जो भी लिखे हैं, फॉर ऑल सेमेस्टर, आपने सेमेस्टर वाइज आपने आईटीआई की है, ऑफ ऑल द ट्रेड अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स मेंशन इन द प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यू बाय द एनसीवीटी एससीवीटी व्हिच इज टू बी ड्यूली एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओनली बी रेकॉर्ड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीधा सीधा क्या कहा है, आपकी जो मार्कशीट स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट है वो सारे अपने नंबर जोड़ के जितने भी सेमेस्टर में आपके आए हैं आपको वहां पर एंटर करने हैं, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, मेरिट बेस्ड बनेगी। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द एप्लीकेंट शुड नोट दैट इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मार्कशीट CGPA entered in the online applicant and the original marksheet certificate is found at the time of documents verification, the candidate of the applicants will be rejected similarly। मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, किसी भी तरह की अगर उसके अंदर त्रुटि पाई जाती है, मतलब आपने जो भी चीजें अगर मिसगाइड किया है, इन्फॉर्मेशन गलत दी है वहां पर, तो आपका जो भी कैंडिडेचर होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको ये सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो ये आपको समझ लेना है यहाँ पर बात। पॉइंट नंबर 6.7 इस पे आते हैं हम, द ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी इश्यूड बाय द एनसीआर फॉर देयर नोटिफाइड स्लॉट, एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर एनसीआर एज पर द मेरिट इन द रिलेटेड ट्रेड कंसिडर्ड इन द डिविजन वर्कशॉप ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। जिस भी कैंडिडेट ने जो भी डिवीजन, जो भी वर्कशॉप वहां पर उसने फिल किया है, तो उस वर्कशॉप पर उस कैंडिडेट को जाना होगा, वहां पर अपन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहीं आपका जो भी स्लॉट आपकी आपको वैकेंसीज होंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इन केस ऑफ एनी शॉर्ट फॉल इन एनी पर्टिकुलर ट्रेड इन एनी गिवन डिवीजन वर्कशॉप, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिजर्व द राइट टू redistribute the candidate to other division workshop। अगर किसी भी कैंडिडेट का नॉर्दर्न डिवीजन के अंदर अगर वो, तो यहां पर कहा गया है इन केस किसी भी डिवीजन या यूनिट के अंदर अगर किसी भी ट्रेड के अंदर वैकेंसी खाली रह जाती है, तो ये अधिकार है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को तो redistribute, तो दोबारा से वो जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया है उसमें से किसी भी कैंडिडेट को वहां पर फुलफिल करने के लिए भेज दिया जा सकता है, इसका अधिकार सेंट्रल नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे को इसका अधिकार है। तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स वुड बी सब्जेक्ट टू वेरीफाई ऑफ ओरिजिनल टेस्टिनोमियल्स एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सोर एच, जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया, वो आपको फॉलो करना है। क्या क्या बताया गया है, टेस्टिनोमियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैंडिडेट इज द स्टैंड बाई लिस्ट बाई द इशूड कॉल लेटर, आपको एक कॉल लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल ऑफ एबसेंटीज मेडिकली अनफिट एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द मेरिट लिस्टेड अलॉटेड टू द कंसर्न डिविजन वर्कशॉप, द कॉल लेटर विल बी इशूड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉल लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा, तब आपको सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा, ये जो भी चलेगा। द टेंटेटिव स्कीम विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट www, ये मैं बता दिया है, rrcpryj.org, कंसिडर द पेंडेमिक सिचुएशन एट द टाइम एप्लीकेंट्स आर अवेयर एडवाइज्ड टू बी इन रेडीनेस एट शॉर्ट नोटिस टू रिपोर्ट द फॉर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ये पढ़ लेना आपको। ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा यहाँ पर, एक साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इसका, स्टिपेंड आपको क्या मिलेगा,
सिलेक्टेड कैंडिडेट एंगेज एज अप्रेंटिस विल बी undergo apprenticeship training for a period of 1 year and will be paid a stipend during the training at the prescribed rate as per the extant rule government governed by the concerned state government. जो भी इनका रूल रहेगा स्टिपेंड देने का उसके अकॉर्डिंग आपको स्टिपेंड मिलेगा. स्टिपेंड मतलब जो पैसा मिलता है. मोड ऑफ एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन जो आपको कैसे फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है. ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आपको ये फिल करना है. यहाँ पर बताया गया है आधार कार्ड आपका होना चाहिए, 10+2 मार्कशीट होनी चाहिए, ITI की मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर कहा गया है, अब ये देख सकते हैं PDF फॉर्मेट है. किसका PDF कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं आपको PDF में अपलोड करने हैं. यहाँ पर बताया गया है 10+2 मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ये दिया गया. यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI मार्कशीट होनी चाहिए, 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए. अगर 12th क्वालिफाई की है तो 12th की लगा सकते हैं आप. नेक्स्ट बात करेंगे, ये फोटोग्राफ जो भी अपलोड करने हैं आपको यहाँ पर दिया गया है. सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज यहाँ पर देख लिया आप, इनवैलिड एप्लीकेशन. आगे बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग जो भी रहेगी, नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया है. अभी हम नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं क्या दिया है. ये वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर, कितनी कितनी वैकेंसीज है, कहाँ पर है, स्लॉट फॉर द ईयर टेक्निकल फिटर विटर की, ये जितनी भी वैकेंसीज है यहाँ पर दी गई है. यहाँ पर देख चेक कर सकते हैं इसको आप. झांसी के अंदर कितनी वैकेंसी है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप. वर्कशॉप आगरा के अंदर कितनी वैकेंसीज है. नीचे आते हैं थोड़ा, ये फॉर्मेट है. देखिए आपको परफॉर्मर क्या रहेगा, SC ST कैंडिडेट का ये परफॉर्मर रहेगा. ये एनेक्सर बी दिया गया था. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट रहेगा ऐसा आपका बना होना चाहिए. और नीचे आते हैं, ये रहा OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर. ये डिक्लेरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास एप्लीकेंट, ये रहा डिक्लेरेशन आपको फिल करके अपलोड करना है. ये नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एनेक्श्योर, ये किसके लिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. यहाँ पर फोटो लगा करके अपने नाम लिख करके मेडिकल ऑफिसर से स्टैंप लगा करके आपको ये अपलोड करना है. अभी अगर बात करते हैं हम मेडिकल अथॉरिटी इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा आपका, ऐसा ये बना लेना है आपको जो भी डिसेबिलिटी में आता है. अब आते हैं यहाँ पर, ये सर्टिफिकेट कौन सा, इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए आपका. EWS कैटेगरी जो कैंडिडेट होंगे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये भी आपको फिल करके भेजना है, अपलोड करना है इसको. आगे बढ़ते हैं, ये रहा सिग्नेचर, मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, मेडिकल ऑफिसर का नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसका, डेजिग्नेशन रहेगी, ये सब कुछ आपको फुलफिल करना है. ये देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखा है शुड बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, दोनों साइड में इसको प्रिंट कर लेना है. ये यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया था. तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली थी RRB के अंदर, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC के अंदर, RRB नहीं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर ये वैकेंसीज है अप्रेंटिसशिप की, जो कि प्रयागराज डिवीजन के अंदर ये वैकेंसीज है, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है अप्रेंटिसशिप के लिए. जिस भी कैंडिडेट ने ITI किया है तो वो ये वैकेंसी के, इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करें, जिसमें आपको रेलवे के अंदर एक काम करने का सुनहरा मौका मिलेगा. जिस भी कैंडिडेट की एज 15 से 24 साल के बीच में है. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग.